गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे अ न्यू चैप्टर, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स. एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मल्टीपल्स ओनली. ठीक है, तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल्स के बारे में पढ़ना है. फैक्टर्स फिर इसके आगे आएंगे, नेक्स्ट इनिंग में आएंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो मल्टीपल्स क्या होते हैं? बेटा वैसे इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि जो मल्टीपल वर्ड्स हैं, मीन्स कि मल्टीप्लाई से हमने इसको बनाया है. मल्टीपल्स आर स्किप काउंटिंग, ये स्किप काउंटिंग नंबर्स होते हैं, और काउंट बाय नंबर्स, या फिर हम इनको नंबर से काउंट करते हैं. एग्जांपल के साथ समझते हैं. सपोज करो मैंने आपको बोला कि दैट यू हैव टू राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ 7, तो आपने जस्ट क्या करना है, 7 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर देना है. 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28. तो मीन्स कि जो ये नंबर आया 7 14, 21 28, तो ये सारे, और आपने ये 7 का टेबल कहाँ तक लिखा है, 4 तक. सो दीज ऑल आर 7 14 21 एंड 28, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 7. तो ये आपने 7 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स लिखे हैं. और अगर आप ऐसे ही 7 का टेबल 6 तक लिखते, 9 तक लिखते, तो इस साइड में जो भी आंसर आता वो आपके 7 के फर्स्ट 9 मल्टीपल्स हो जाते. ठीक है, सो इट मीन्स एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1. जैसे कि 7 1 7, हर एक नंबर 1 का मल्टीपल होता है. ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आपने लर्न रखनी है. द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज द नंबर इटसेल्फ. जैसे कि देखो 7 का जो फर्स्ट मल्टीपल है 7 1 7, तो वो नंबर इटसेल्फ होता है. ये 7 का सेकेंड मल्टीपल है, ये थर्ड मल्टीपल है, और ये है फोर्थ मल्टीपल. देयर आर इनफाइनाइट मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर, मीन्स कि आप किसी भी नंबर के इनफाइनाइट जितने चाहो मल्टीपल्स आप लिख सकते हो. ओके, सो इट मीन्स जब भी आपने किसी नंबर के मल्टीपल्स लिखने हैं तो आपने उसका टेबल लिख देना जहाँ तक आपको बोला गया हो. ठीक है, सो नाउ कम टू इनिंग्स 5.1. फाइंड द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 11. आपने 11 के फर्स्ट 6 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं. ओके, सो इट मीन्स आपने 11 का टेबल कहाँ तक लिखना है, 6 नंबर तक, क्योंकि यहाँ पे 6 मल्टीपल्स पूछे हैं. अगर 7 मल्टीपल्स पूछे होते तो आपने 11 का टेबल 7 तक लिखना था. 11 1 11, 11 2 22, 11 3 33, 11 4 44, 11 5 55, 11 6 66. तो ऐसे आपने 6 तक लिख के, और ये वाला 11 22 33 44 55 66, ये आपके 11 के फर्स्ट 6 मल्टीपल्स आ गए. ऐसे आपने 18 का टेबल 6 तक लिखना है, 9 का लिखना है. ठीक है, ऐसे ही 15 का लिखना है, और ई पार्ट में है आपको 25 का. तो ऐसे ही आपने 25 का टेबल भी 6 तक लिखना है. अब आपको 25 का टेबल नहीं आता होगा, तो आपने एक साइड में 25 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आएगा. तो एक साइड में 25 को 2 से मल्टीप्लाई करके 50 आएगा, और फिर जब आप 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, बेटे एक साइड में कर लेना, मुझे तो आती थी इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया. ठीक है, 25 4 100 25 5 125 25 6 150. सो ऐसे आपने अपना ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कलर द वासेस विच कंटेन नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 8. हमने इनको कलर करना है, जो जो नंबर इसके ऊपर लिखे हैं, ये सारे नंबर हमने बताना है कि ये 8 के मल्टीपल्स हैं कि नहीं हैं. अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो गिवन नंबर्स हैं वास के ऊपर जो लिखा हुआ है, ये 8 के मल्टीपल्स हैं कि नहीं हैं? तो बेटा जब हमने चेक करना होता है तो हम क्या करते हैं, इन सभी नंबर्स को 8 से डिवाइड करेंगे. अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो इट मीन्स ये 8 का मल्टीपल है, और अगर ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है सो इट मीन्स ये 8 का मल्टीपल नहीं है. पूरा डिवाइड होने का मतलब कि इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है. देखो ए पार्ट जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें लिखा है 8 4 0 8, तो मैंने इसको 8 से डिवाइड किया. अब डिवाइड के सम आप सभी को आते हैं, 8 1 8,
ज़ीरो हो गया माइनस किए ऊपर से आया फोर, तो फोर छोटा है, एट ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, माइनस किए फोर ऊपर से आए ज़ीरो, फोर्टी, एट फाइव ज़ा फोर्टी, नेक्स्ट एट नीचे आया, एट वन ज़ा एट, सो ये रिमाइंडर इज़ ज़ीरो और ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, सो इट मीन्स यस 8408 इज़ अ मल्टीपल ऑफ एट। तो आपने आपका आंसर किस में आएगा, येस yes में, और आपको येस yes और नो कैसे पता चलेगी, बाय डिवाइडिंग, ठीक है। बी पार्ट देखो सेम, हर क्वेश्चन में आपने एट से ही डिवाइड करना है, एट 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 सभी क्वेश्चंस में एट से डिवाइड करना है, जस्ट आपको जो अंदर वाला डिविडेंड है ये नंबर अलग है जो आपकी बुक में पिक्चर में लिखा हुआ है, एट थ्री ज़ा ट्वेंटी फोर ऊपर से फाइव आया, एट ज़ीरो द ज़ीरो फिफ्टी सिक्स, एट सेवन ज़ा फिफ्टी सिक्स, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर ज़ीरो, सो इट मीन्स ये वाला नंबर भी एट का मल्टीपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो पार्ट डी, 7539, जब आप इसको 8 से पूरा डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर आएगा 3, तो रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आता इट मीन्स ये पूरा डिवाइड नहीं है, तो अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, नो 7539 इज़ नॉट ए मल्टीपल ऑफ 8, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके देन, बाय बेटा, टेक केयर।